स्वागत है आपका हर्षिताज किचन में। मैं हर्षिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं आज आपको फ्राई मैगी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 बड़ा सा टमाटर, 2 मिर्च, 6 पैकेट मैगी की, मैगी मसाला 2 मिनट्स। मैं अपने प्याज टमाटर को अच्छी तरह से काट लूंगी। मैंने अपने प्याज टमाटर मिर्च को अच्छी तरह से काट लिया है। मैंने अपने पैन को गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। मेरा पैन गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। मैंने यहाँ पर मिर्च डाल दिया है, प्याज, हमने इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हमें इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से पकाना है, इसे ब्राउन होने तक पकाएं। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। एक चौथाई हल्दी डालेंगे, 1/4 धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें मैगी मसाला ऐड करूंगी। हम यहाँ पे सॉस डालेंगे थोड़ी सी। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे। हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे या फिर स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं नमक। हमारा मैगी का सूप उबल रहा है। ये जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मैगी। हमें इसमें सारे पैकेट मैगी के डाल देने हैं अपने। हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। नहीं रुको, मैं इसे थोड़ी देर में देख चेक करते रहूंगी कहीं ये जल तो नहीं रहा है। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और मैं इसे आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी ये कितनी अच्छी तरह से बना है। आप देख सकते हैं हमारा फ्राई मैगी कितनी अच्छी तरह से रेडी है। मैं इसे आपको उठा के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से बना है। ये बिल्कुल ही चाउमीन जैसा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना है।